या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ॐ हेलो माई डियर स्टुडेन्ट्स क्लास एट र पिलामाने समस्तिंको मुनासा स्टडी पॉइंट को वेलकम आउ मुँ आशा रखी थी निश्चित भाव तुमने समस्ते मो भिडियोटी को भल भाव देखी थी ता भी भल भाव देखी मुझे जापारि ठीक अच्छे पे सब तुम भिडियोटे कमी आरंभ शेष पर्यटन देख पे स्किप करनी स्किप कले बहुत बढ़िया बढ़िया इंपोर्टां कथा भी रोच हाँ ना नहीं मिस कर तेनाली स्किप न करके पे भिडियोटी पूरा आरंभ शेष पर्यटन देख कथा होची काली पर्यंत पिलामाने आमे चित्र लेख पर्यंत पिले आलोचना करथिले जोटा कि आमर पिक्टोग्राफ वा पिक्चर ग्राफ विषय आलोचना कर देथिले आज आमे स्तंभ लेख बार ग्राफ विषय पिले आलोचना करबा तुम ध्यान सहित भिडियोटी देखु था पिले स्किप न करके भिडियोटी देख स्तंभ लेख देख पिले बार ग्राफ इंग्राजी में कहुए चित्र लेख पई विभिन्न चित्र अंकन समय सापेक्ष पिले होता है निश्चिंत समय लगे धीरे धीरे पिले आमे डेवलप करूचे ना ना धीरे धीरे गोटे पर पहुँचे आम जाणी जाणी जाऊे गोटे गोटे देखुचे समय सापेक्ष पिले होता है यह व्यतीत चित्र संख्यार आधिक एक समय सापेक्ष कार्य पिले ये स्तंभलेख मध्यम तथ्य उपस्थापन तथ्य अनुशीलन एवं तथ्यर व्याख्या आमपाई सहज पिले हो पार सम ओसार प्रस्त जोटा आम कहे स्तंभ 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 मध्य व्यवधान सामान थाई स्तंभलेख साधारण भाव में सफल तथ्य उपस्थापन आमर दृष्टि आकर्षण करता स्तंभलेखर कथा देख पे स्तंभलेख गोटे गोटे सांख्यिक तथ्य को भित्तिक अंकित पिले होता है जार उच्चता तथ्यर बारंबारता उपर निर्भर करें स्तंभलेख को आनुभूमिक उलम्ब भाव में अंकन करें स्तंभलेख को कमी रखा पिले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आम रखिपर आमे बर्तमान आम जाणीगले यू गोटे उदाहरण पिले लक्ष्य कर दे बर्तमान एक उदाहरण जरिया आम स्तंभलेख अंकन प्रणाली को शिखापी चेष्टा पिले करवा मुझे चेष्टा करी तुम मानक बुझापी तुमने बुझापी तुम्हें मैंने भल भाव बुझापी चेषा कर निम्न सारणी अंतर्भुक्त तथ्य गुड़क नहीं एक स्तंभलेख अंकन करने दिखाई देख पे आम पाखे दिगला विभिन्न प्रकार मोटर कार सब सेंट्रो अल्टो जेन पियाट स्कोडा सब कार ना दिखाई मोटर कार संख्या पिले सेंट्रो रही दसटा अल्टो आठटा आमर जेन सतटा फियाट तीन टा आ स्कोडा हूँ चार्टा केमी करवा ना आम तले नहीं जा विभिन्न प्रकार मोटर कार नाम आपटे नहीं जा क्या मोटर कार संख्या देख पे चित्र दिखाई सेमती तो स्तंभलेख अंकन सोपान समूह को अनुसरण कर निजे करवा पे चेस्टा कर ग्राफ खाताटी आवश्यक पड़ो समस्ते गोटे गोटे ग्राफ खाता किणी नब एवं मोर वीडियो को देखिकी गोटे गोटे तुम्हें करने चेस्टा कर प्रथम एक लेख कागज नहीं मानने ग्राफ पेपर जोटा आम कहे गोटे आनुभूमिक एवं उलम्ब रेखा अंकन कर जपरिक परस्पर को लंब भाव में छेद करेंगे परस्पर पर 90 डिग्री कोण अंकन कर रहे ना नहीं जो आम विभिन्न प्रकार मोटर कार गोटे पटे करे गोटे मोटर संख्या करें परस्पर कौन करेंगे तो दुईटा सरलरेखा देख आमर से दुईटा सरलरेखा परस्पर समकोण ही छेद करेंगे आनुभूमिक रेखा निम्न भाग में विभिन्न प्रकार मोटर कार तले जो रहा पे आम आनुभूमिक सेटा उल्लम्ब रेखा आम नवा बाम पार्श्वर मोटर कार संख्या को एक निर्दिष्ट स्केल को भित्तिक लिख आनुभूमिक रेखा ओसार सामान र्यवधान को सामान रखी स्केल निर्दिष्ट कर और विभिन्न कार को सूचाओ उल्लम्ब रेखा प्रति पांच गोटी कि दस गोटी छोट घर को एक एकक लेखाए नहीं कार संख्या को सूचेब हैला अवश्य आवश्यकता अनुसार निजे स्केल चयन पिले कर तुम निज इच्छा अनुसार कर जहाँ नब सब सामान ही नब पिले विद्रोह पिले देखो लेख कागज बिना सहायतार ठीक माप विशिष्ट स्तंभलेख अंकन करें स्केल नहीं पिले करवाटा ठीक हम आस आम निम्न श्रेणी में या तथ्य को आधार कर एक आनुभूमिक स्तंभलेख अंकन पिले करवा गोटे उदाहरण मुझे दे दीची जो 1998 रु 2002 वर्ष मानक भारत सरकार बजार गहम मान हजार टन कि निम्न श्रेणी में पिले दि जाएगी गहमर परिमाण हजार टन 15 25 20 20 30 वर्ष हूँ 1998 1999 2000 2001 2002
पूर्व उदाहरण वर्णित सोपान गुड़ी अनुसरण कर आनुभविक स्तंभलेखा पे अंकन कर देख पे आम तले नहीं जाइए गहम परिमाण को दस टन कोड़े टन तीस टन एम सब नहीं जाइए आम कि अच्छी आम संख्याटा पंदर रु तीस भितर तेनाली शून रु तीस भितर नहीं जावा ना ना तापर उन्नीस अठानबे अनेश्वत दुई हजार यटा को नहीं जाते उल्लम्बरे आनुभमिक नहीं जाए आम गहमर परिमाण को यही करके तुम दर्शाई पार है पे ये आनुभमिक रेखा एक एकक आम हो पांच हजार टन गोटे एकक आम पांच जो गोटे गोटे डट सब मजे देख जीरो डट तापर टेन तापर गोटे गार तापर ट्वेंटी तापर गोटे गार यहाँ सब गोटे गोटे एकक हूँ पांच हजार टन पे हम के हम पांच हजार टन तेल सेमती उदाहरण गोटे तीन मध्यम लक्ष्य कर गणित विषय में दुर्बल या पांच जन छात्र क्षेत्र में श्रेणी शिक्षक चलित बर्ष त्रैमासिक और षाषिक परीक्षा छात्र द्वारा रखी मार्क को निम्न प्रकार पे लिपिबद्ध कर उन्नति किंवा अवनति संबंध में अनुधान करते क्यों छात्र भल कर किए खराब कर जापारे छात्र है पे देख गोटे अरुण सोहम निहार संतोष आ सुमित आउ त्रैमासिक परीक्षा रखते दस पंदर बार कोड़े नौ रन कही भूल कहली पे नौ मार्क सामासिक परीक्षा पे रखें पंदर अठर षोह चबीश पंदर मार्क तेल श्रेणी शिक्षक प्रथम प्रत्येक छात्रपाई दुईट पखापाखि स्तंभलेख अंकन कर दुईट परीक्षार से मर उन्नति सम्बन्ध में अनुधान करेंगे प्रथम देखा आम गोटे एकक नहीं जा पे के पांच नंबर नहीं जावा त्रैमासिक देख पूरा पूरा ह्वैट्र जो चतुर्भुजटे ह्वैट आ गए गार गार पड़े से गार गार जो पड़े सामासिक परीक्षापी आउ ह्वैटा होगी आम पे त्रैमासिक परीक्षापी समस्त ना को आम आनुभमिक रेखा लिखिद अरुण सोहम निहार संतोष सुमित उपर आम उल्लम्ब लिखिद नंबर सब फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मन रख दुईट स्तंभ पखापाखि रखी तथ्य उपस्थान करते से स्तंभलेख को दुई स्तंभलेख बा डबल बारग्राफ बोली कहुई थाए दुईटा आते एका सांगे आम आसे ये पिले तुम्हें बहुत गुड़े बारग्राफ करवेन्थ कर कहीं तुम ये बुझिपार ना पे तुम जाच आईडिया तुम अच्छी करजे करने गोटे दिखाई तुम एटा पे होमवर्क तुम्हारे यहाँ करी कमेंट बक्स लिखि जनइब तुम करना ना गोटे छात्र 2008 9 और 2009 10 दुई शिक्षा वर्ष रे तार पाठ विषय रखि मार्क निम्न प्रकार सारिणी दि जाइए यह आधार कर गोटे दुई स्तंभ लेख अंकन पिले कर देख विषय सब लिखा ओडिया गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान इंग्राजी 2008 9 रखि पे 55 30 50 35 50 ये रखि 2009 9 10 से नंबर रखि से नंबर को आमको कौन करा पड़ो जमी आम पूर्व उदाहरण कले भाव करने को पड़ो हला करिब एटा को तापर पिले बढ़िया कथा पिले आसला बर्तन आम आलोचना करवा वृत्तलेख कौन हम ताको पिले आलोचना आम करवा देख पे वृत्तलेख सर्कल ग्राफ बाकी पाइचार्ट बोली कहुए निहार सप्तम श्रेणी में तार गाँ स्कूल पढ़ुला बेले स्कूल कांथर एक वृत्त मध्यम आम प्रदेशर समस्त जिला समूह को सुंदर भाव सजाई लेखा जा देखि चित्रलेख एवं स्तंभलेख पढ़ी सारा पर हठात श्रेणी में कही गोटे वृत्त मध्य आम स्कूल कांथर लेखा जा भिन्न तथ्य को सजाई उपस्थापन करता तेरे किपर हाँ श्रेणी शिक्षक निहार कथा को ग्रहण कर रमेश को डाक पचारे तुम्हें गोटे दिन चबीश घंटा समय को साधारण भाव में किपर कटाऊ प्रश्न पचरा गला तुम मानू जमी शिक्षक मैंने पचार पाने तुम सका उठी कौन कर दिन जो चबीश घंटा भितर कौन कौन कर गोटे तुम डाटा दे मत आम कौचे ना नहीं सेमती रमेश जहाँ सब कहला शिक्षक से सब तथ्य को गोटे श्रेणी में लिपिबद्ध कर रखिले जपरिकी रमेश कहानुसार दैनदीन कार्यर बरणी को गोटे जगह लिखा आम समय से कते समय तक कटे लिखा स्कूल उपस्थान में पे रोच छ घंटा नित्यकर्म तार नित्यकर्म जी कर गोटे घंटा खेल तार दुई घंटा विश्राम आठ घंटा घर में पाठपढ़ा तार चार घंटा अन्न्य पे तीन घंटा यह चबीश घंटा को कटेला निहार कहानुसार शिक्षक वृत्तटी अंकन कर दत्त तथ्य को निम्न प्रकार सजाई रखिले जमी चित्री पिल दिया देख स्कूल के समय रहा नित्यकर्म के कला खेल के समय कला विश्राम के समय अन्न्य कार्यक्रम के समय निजी नियोजित कला पाठपढ़ा के समय देमी वृत्त सजे सेमती लिखिदेव
वृत्त मध्यरे प्रत्येक दैनिक कार्य विवरणी संबंध में तथ्य को उपस्थापन करा जाउथिबार उक्त चित्र को पिले वृत्त लेख बोली कह जाए जेहेतु आम ये चित्र मध्यम तार दैनंदिन कार्यर विवरण टी आम दर्शाई तेणु वृत्त मध्य दर्शाई से वृत्त लेख बोली कहते वृत्त लेख केवल पूर्ण अंश सह प्रत्येक दत्त अंश मानक एक संपर्क को नहीं अंकन करा अर्थात दैनिक विश्राम समय केवल 24 घंटार एक तृतीयांश स्कूल रहा समय 24 घंटार एक चतुर्थांश पाठपढ़ा समय 24 घंटार एक षष्ठांश एवं खेल समय 24 घंटार एक बाय 12 अंश और अन्यान्य तार पाई ता 24 घंटार एक बाय 8 अंश मात्र एठारे वृत्तटी 6 गोटी वृत्तकळारे पिले विभक्त होई छी पिले ये होछि पिले वृत्तकळा वृत्तकळारे गोटी गोटी अंश को तुम लक्ष्य कर अच्छा वृत्तकळार आबद्ध क्षेत्रर परिमाण रमेशर दैनिक कार्यर परिमाण सह समानुपाती होइथाय निम्न विश्लेषण को देखिबा आमे कोन कोन एरे देख स्कूल पई सूचित अंशर परिमाण केत हबो 6 घंटा बाय 24 घंटा ता माने 1 बाय 4 नित्यक्रम पई सूचित अंशर परिमाण 1 घंटा बाय 24 घंटा 1 बाय 24 तो खेल सूचित अंशर परिमाण 2 घंटा बाय 24 घंटा 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 पिले आमर कटि जिवो तो 2 बाय 24 ले 1 बाय 12 एभली विश्राम पई सूचित अंशर परिमाण होची आमर केते 8 घंटा बाय 24 तले 1 बाय 3 पाठपढ़ा सूचित अंशर परिमाण होची 4 घंटा बाय 24 घंटा 1 बाय 6 अन्यान पई सूचित अंशर परिमाण होची 3 घंटा बाय 24 घंटा तले 1 बाय 8 एटा पिले अंश गुडाक सब आग तुम बाहर करदेव तापर मन रखिबो जे वृत्तर जेकोसी दुई व्यासार्थ एवं चाप को चापटा मानने जो आम तले पिले रही देख ए सी बी हो गोटे चाप आमर व्यासार्थ हूँ ओ ए एवं ओ बी को नहीं चित्र को पिले वृत्तकला कह जाए वृत्तकला क्या क्या नहीं कहला देख ओ ए व्यासार्थ ओ बी व्यासार्थ ए सी बी चाप को नहीं आमर वृत्तकला पिले गठित तेल पार्श्व चित्र रे ओ ए सी बी एक हूँ पिले कौन वृत्तकला तेनाली वृत्तकला केन्द्र में उत्पन्न करुवा कोणर परिमाण हूँ पिले केनिशाठी डिग्री एक भग्नांश सामान यहाँ मन रखीद कहीं गोटे वृत्त कहले साधारण भाव 360 डिग्री को बुझा जाए तार कोणर परिमाण को तेरे वृत्तर केन्द्र में वृत्तकला गुड़िक द्वारा उत्पन्न कोण मानक परिमाण समस्त हूँ पिले 360 डिग्री मोहित कौन कला पिले शिक्षक को पचारा वृत्तर 6 गोटी वृत्तकला से किपरी अंकन करें शिक्षक कहले जदि वृत्तकलार केन्द्रीय कोणर परिमाण जापर तेब अति सहजे आम वृत्तकला गुड़िकपर ना ना आस देखा वृत्तकलार केन्द्रीय कोण मानक परिमाण पाइबा किपर देख सारिणटी आमको दि जाइए प्रथम कौन करवा रमेश तार गोटे दिन कार्यावल को आम गोटे लिखिद स्तंभ आकार में विश्राम नित्यकर्म स्कूल उपस्थान पाठपढ़ा खेल अन्यान्य तापर समयटा लिखिदे घंटे 8 घंटा 1 घंटा 6 घंटा 4 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टोटाल पिले केते घंटा 24 घंटा आनुपातिक अंश पिले भग्नाश आम बाहर करदे टोटाल 24 घंटे प्रत्येक विश्राम के नित्यकर्म के हरिक बाहर करदेव अंशटा को बाहर करदेव अंशटा बाहरी गलापर पिले कौन कर जानच वृत्त हूँ टोटाल कोणटी हो तार 360 डिग्री तार आनुपातिक अंशटी बाहर कर 30 डिग्री 1 बाय 3 अंश 360 डिग्री 1 बाय 24 अंश 360 डिग्री 1 बाय 4 अंश ये भाव सब गुड़ाक बाहर करदेव समुदाय कोणर परिमाण देख बाहर कर सारापर कोणर परिमाण समस्त पिले 360 डिग्री हम शिक्षक बर्तमान मोहित को डाक वृत्तलेख अंकन समस्त सोपान गुड़िक बुझाई कहले देख केमी तुम कर अंकन ना ना सोपानी केमती कर मन रख एक निर्दिष्ट व्यासार्ध विशिष्ट वृत्त अंकन कराखापाखि तुम्हें 2-3 cm व्यासार्ध विशिष्ट गोटे वृत्त 2 हो 2.5 हो 3 सेमी हो बेसी बड़ वृत्त करनी 2-3 सेमी 4 सेमी भितर वृत्त कर तुम खाता को लक्ष्य कर से अनुसार तुम कर तापर हूँ वृत्तर केन्द्र में प्रत्येक कार्य बा सूचित अनुजाई आवश्यक वृत्तकलार केन्द्रीय कोण मनकर 45-45 डिग्री अंकन करदेव प्रोट्राक्टर रे पिले कर कौतरे प्रोट्राक्टर थोदेव जो 45 चिन्ह देदेव तब स्थिर कर प्रोट्राक्टर साहाय्य केन्द्र में कोण मानक अंकन कर वृत्तकला गुड़िक कार्य बा सूचना अनुजाई सूचाइब है मन रख आउ तुम यदि कलर दे पार टे भल भल कलर ये तो कौटे ब्लू कौटे रेड एम तो बस कलर सब चिन्हट देपर आहरी सुंदर देखा तुम वृत्त लेखटी यदि पार कर ना जमी सिंपल करीचे कर आ गए तुमको दिगला यहाँ तुम मानी होमवर्क तुम्हें करमती करपार कमेंट बक्स लिखि जन गोटे छात्रावास हॉस्टल रोकवा छात्र मैंने कहीपर भाषा मानक नहीं एक सारणी प्रस्तुत कर
उक्त तथ्य गुड़ी को आधार कर एक वृत्तलेख अंकन करने दि जाए तो मैंने गोटे गोटे सब वृत्तलेख पिले कर वृत्तलेखटे गोटे गोटे कर मत कमेंट बक्स लिखि जन सर आम वृत्तलेखटी अति सहजे करूँ तुम निश्चित आशा कर तुम निश्चित बुझी जाइव सहज हम तुमपाइपा है पे आम आलोचना करवा भाग विभक्तक बारंबारता वितरण ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रब्यूसन केमती आम करवा यह आलोचना करवा ध्यान सहित भिडियो तुम्हें देख पे देख बर्तमान भाग विभक्त बारंबारता वितरणी ग्रुप फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रब्यूसन बर्तमान आलोचना करवा मनकर गोटे श्रेणी में पढ़ुता 30 जन पिलांकर गणित विषय परीक्षा करागला पूर्ण संख्या 50 रु से प्राप्तांक निम्न पिले दि जाइए सार एन टी पिले देखनी तेल उपरोक्त तथ्य गुड़ी को नहीं पूर्व अनुच्छेद 10.3 अनुसार अनुसरण से बारंबारता वितरण सारणी प्रस्तुत कले निम्न मत प्रकाश हे लब्धा को गोटे पट लिखा बारंबारता गोटे पट लिखा लिखि सारापर ताक सजाई देवा कौत मनक पाँच है लब्धा पाँच पिले के थर अच्छी थे अच्छी आग पिले प्रथम कथा हूँ एक ऊर्धकर्म अर्धकर्म सजाई देव सजाई देते तुमको सरल हम करापा सात देख सात पिले के थे अच्छी दस पिले के दिथर अच्छी ये भाव तुम सजेक आगे बारंबारता को लिखिदेव तेल एठार पिला संख्या बहुत बेसी हेले पूर्ण संख्या 50 न हो 100 होते यही श्रेणी अधिक पिला दीर्घ होता बहुत लंबी जाता ना ना तेल एपरी स्थल कौन कर पाने तुम्हें ना उपरोक्त श्रेणी एक अनुरूप श्रेणी प्रस्तुत करवा विरक्तिकर मानी कष्ट भी लगे विरक्त लगे और समय सापेक्ष अचथा समय नष्ट और कष्टर हम तेल एपरी एक सारिणी निर्दिष्ट सूचना पाइबा कष्टर हो पड़ एपरी स्थल कौन कर पाने प्रत्येक लब्धापी बारंबारता निर्णय नक लब्धा गुड़ को केतक श्रेणी बा संभाग बा क्लास और ग्रुप रे विभक्त कर प्रत्येक संभाग पर बारंबारता निर्णय कराव तुम्हें करदेव यही प्रक्रिया कहती संभागीकरण क्लासिफिकेशन भी कहुई थाए बर्तन आस दत्त सारिणी में लब्धा समूह को नहीं किसी संभाग में परिणत करवा एठार सर्वोच्च एवं सर्वनिम्न लब्धा यथाक्रम पिले किए किए देख सर्वोच्च हूँ पिले 38 सर्वनिम्न हूँ पिले 5 ताले तथ्यावल विस्तार पिले के सर्वोच्च लब्धा फेड़ान सर्वनिम्न लब्धा युक्त 1 तामने 38 माइनस 5 प्लस 1 38 5 फेड़देव फेड़ सकने बंधनी भितर ताक रख फेड़े आमर हम के 33 युक्त 1 मान 34 तथ्यावल सर्वोच्च और सर्वनिम्न लब्धा द्वय मध्य दूरता को तथ्यावल विस्तार कहुई थाए यह मन रखिदेव तथ्यावल विस्तार कि बाहर जिते लब्धा बारंबारता थी से जदि विस्तार तुम पचरा जाए तुम्हें देखिदेव तादी सर्वोच्च लब्धा किए और सर्वनिम्न लब्धा किए तो सर्वोच्च लब्धा सर्वनिम्न लब्धा को फेड़ी युक्त 1 पिले करने पड़ो कहते पिले विस्तार जोटा कि रेंज बोली कहुई थाए तापर देखिबा साधारणतः तथ्यावल विस्तार अधिक होते तथ्यावल को विभिन्न संभाग रे पिले विभक्त करा जाए थाए दत्त तथ्यावल संभागीकरण निम्न मत पिले करा जाए परिबो 0 रु 10 10 रु 20 20 रु 30 30 रु 40 एभलिया बे करि परिबा तले एठारे समस्त तथ्य को 5-4 भाग रे पिले विभक्त करिबा प्रत्येक भाग को गोटे लेखाई संभाग बाता कहते क्लास इंटरवल बोली कह जाए थाए तुम्हें धन्य केमी जानव जो संभाग तुम 30-40 पर्यटन हम तुम्हें देखीदेल जे बार लब्धा शेष जे सर्वोच्च लब्धा किए 38 तमें आम 40 पर्यटन ही जा 50 दरकार नहीं आमर जो 40 रु 50 दरकार कि दरकार ना से तुम जापर से बारंबारता केमी जान बारंबारता देखीदेव हाएस्ट के आमर से अनुसार देखीदेलापर तुम्हें जानव जो बारंबारता कहाटू कौटू कौ भर रखिपार आग देख पे 0 रु 10 पे आम देख 5-7 भितर के रहा ना 2टा तेना 2 लिख पे 0 रु 10 मान 10 को तुम हिसाब को नब ना तुम्हें 0 रु 9 भितर पे हिसाब करपर अच्छी पे 10 रु 20 तुम 10 रु आरंभ कर 19 भितर तुम शेष कर 20 रु 30 20 रु आरंभ कर 29 पे शेष कर 30 को तुम आगे नब ना कहीं 30 टाता परवर्त ये अच्छी तेल एटार लक्ष्य कर 0 रु 10 एवं 10 रु 20 संभाग द्वय 10 हूँ उभय संभाग रही ना नहीं 10 रु 20 20-30 संभाग द्वय अच्छी एमें धरने जे 10 प्रथम संभाग में न रही द्वितीय संभाग में 20 द्वितीय संभाग में न रही तृतीय संभाग पे रिश लब्धा दत्त 4 संभाग मध्य 30 रु 40 संभाग में र मन रख पिले 10 रु 20 संभागर 10 को पिले संभागटर निम्न सीमा बा लोअर लिमिट 20 को संभागर उच्च सीमा जोटा कि अपर लिमिट बोली कहुई थाए मन रख जो 10 रु 20 है
ତାହେଲେ 20ଟା ହେଲା ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଅପର୍ ଲିମିଟ୍, 10ଟା ପିଲେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ନିମ୍ନ ସୀମା ଆମର ଲୋୟର୍ ଲିମିଟ୍। ସେପରି 20ରୁ 30ରେ ପିଲେ କହିଲେ ଦେଖି କେତେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 30ଟି ପିଲେ ହେବ ଅପର୍ ଲିମିଟ୍, 20ଟି ପିଲେ ହେବ ଆମର କ'ଣ ଲୋୟର୍ ଲିମିଟ୍, ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମା ଆଉ ନିମ୍ନ ସୀମା, ମନେ ରଖିବା ଏଟାକୁ। ସମ୍ଭାଗର ପିଲେ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ଓ ନିମ୍ନ ସୀମା ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତରଫଳକୁ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିସ୍ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ପିଲେ କେତେ ହେବ, ଯଦି ଆମେ ନେଇଛେ ମନେକର ଆମର ନେଇଛେ କେତେ 0 ରୁ 10, 10 ରୁ 20, 20 ରୁ 40, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମାରୁ ନିମ୍ନ ସୀମାକୁ ଫେରିଦେବ। 40ରୁ 30 ଗଲେ କେତେ 10, 30ରୁ 20 ଗଲେ କେତେ 10, 20ରୁ 10 ଗଲେ କେତେ 10। ତେଣୁ ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରେଣୀଟି ଆମେ କରିଛେ ତା ପାଇଁ ବିସ୍ତାର ପିଲେ ହେବ 10। ସେମିତି ଆମେ ପିଲେ ଆହୁରି କମେ ନେଇପାରିବା, 0 ରୁ 5, 5 ରୁ 10, 10 ରୁ 15, 5 ଅନ୍ତର କରିକି ଆମେ ନେଇପାରିବା ନା ନାହିଁ। ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ସେଠି କେତେ ହେବ ନା 5 ପିଲେ ହେବ, କାହିଁକିନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୀମା ଫେଡ଼ାଣ ନିମ୍ନ ସୀମା, 5 - 0, 5, 10 - 5, 5, 15 - 10, 5 ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବ। ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଆମେ ନିମ୍ନ କେତେଗୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଜଣ ଛାତ୍ର 10, 10 ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି। 20 କିମ୍ବା 20ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ 13। ସେମିତି 20ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ 17। ଏଭଳି ଆମେ କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିକି ମନେକର ଦେଖ, ଆଇର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା, 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ 15 ଜଣ ଛାତ୍ର, ଦେଖ ପିଲେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ର କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆମର 10, 15 ଜଣ ଛାତ୍ର 10 ଏବଂ 10ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। 20 କିମ୍ବା 20ରୁ ଅଧିକ କେତେ ପିଲା ରଖିଛନ୍ତି ନା ଆମର ଦେଖ ପିଲେ 9, 4 କେତେ 13 ଜଣ। 20ରୁ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଦେବ ନେଇଆସ ଆମର 15, 2 କେତେ ହେଲା 17 ଜଣ। ଏମିତି ହିସାବ କରିକି କରିବ ଆଉ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ପିଲେ ବି ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତା'ପରେ ଉଦାହରଣ 4 ଦେଖ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ଦିଆହେଲା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନା, ନିମ୍ନ ଭାଗ ବିଭକ୍ତକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ମଜାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିନିଅ, କେମିତି କରିଦେବ ଦେଖ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚଟାଚଟ ତୁମେ କରିଦେବ ଦେଖ, ଗଣିତଟି ସଭାରେ ସହଜ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ କାରଖାନାର 550 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆୟକୁ ଭାଗ ବିଭକ୍ତକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରିଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ସମ୍ଭାଗ 100 ରୁ 125, 125ରୁ ଏଠି ପିଲେ କେତେ, ଏଠି ବିସ୍ତାର କେତେ ହେବ, 125 - 125 ପିଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ ବିସ୍ତାର, ହଁ 125 ଅନ୍ତରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭାବେ 300 ରୁ 300, 325 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ବାରମ୍ବାରତା ବି ଲେଖାଯାଇଛି, କାହାର 45, 25, 55 ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଟାକୁ ଦେଖିଦେଲ, ଟେବୁଲ୍ଟି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଯାଇଛି। ତା'ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ପିଲେ କହିଲ ଦତ୍ତ ସମ୍ଭାଗମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର କେତେ ହେବ, 25 ହେବ ସାର୍, ସାର୍ ଏଇନା ଆମର କହିଦେଇଥିଲେ 25, ଏଇଟା ହେବ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, 125ରୁ 100 ଗଲେ ଆମର 25, 150ରୁ 125 ଗଲେ 25, 175ରୁ 150 ଗଲେ 25, ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ। କେଉଁ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସର୍ବାଧିକ, ଦେଖିଦିଅ ପିଲେ ବାରମ୍ବାରତା ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି 200ରୁ 225, ହଁ କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ, ସର୍ବନିମ୍ନ ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ଦେଖିଦିଅ କାହାର ନା 300ରୁ 325। ସେମିତି 200ରୁ 275 ସମ୍ଭାଗର ଉଚ୍ଚ ସୀମା କେତେ, ପିଲେ ଉଚ୍ଚ ସୀମା ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ 200ରୁ 275 ଉଚ୍ଚ ସୀମା କିଏ ହେବ, 275 ହେବ, 200 ପିଲେ ନିମ୍ନ ସୀମା। କେଉଁ ଦୁଇ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ସମାନ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖିବା, ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କାହାର ଅଛି ନା, 150ରୁ 175 ରହିଛି 55, ଆଉ ରହିଛି ଆମର 225ରୁ 250 ରହିଛି 55, ଏଇ 2ଟି ହେଲା ପିଲେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିଛି, 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆୟ ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, 150ରୁ କମ୍, ସେଠି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଦେଖିଦେବା ଆଗ, ଆମର 150ରୁ କମ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ସେହି ସମୟରେ ଆୟ ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆମର ଦେଖ ପିଲେ କେତେ ଅଛି ନା 45 + 100 - 125 ଅଛି 45, 125ରୁ 150 ଅଛି 25, ଏଭଳି ଭାବେ 2ଟାକୁ ମିଶାଇଦେବ, କାରଣ ଆମେ 150 ମାନେ 150 ତ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେବାନି, 149 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା, ତା'ମାନେ ତାରି 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ 45 - 25 ମିଶାଇଦେଲେ ଆମର 70 ଜଣ ହେଲା, ତାହେଲେ 70 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆୟ 150 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଲେ ହେବ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗିଲା ନା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଥିବ। ତା'ପରେ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମଟି ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଆମର ଲାଷ୍ଟ
ସରିଯିବ ଆମର ବିଷୟଟିର, ତାହେଲେ ଲେଖ ମନେ ରଖ। ଭାଗ ବିଭକ୍ତକ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ। 10.4.2 ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କିପରି ହୁଏ ତାହା ପିଲେ ଜାଣିଗଲ ନା ନାହିଁ? ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ ସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତ ସମାନ ଥିଲା, ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିଥିଲା। ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କିଛି ନା କିଛି ନଥାଏ ବୋଲି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମରେ ସ୍ତମ୍ଭର ଓସାର ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ଭାଗର ବିସ୍ତାର ଉପରେ ପିଲେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସ୍ତମ୍ଭର ଉଚ୍ଚତା ଅନୁରୂପ ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ଭାଗ ସମ୍ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ କିଛି ନଥିବାରୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଙ୍କନ ବେଳେ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାର ଉଚିତ ହେବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ପିଲେ ହେବ। ତାର ଦେଖ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍କିତ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ପିଲେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାଗୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଙ୍କିତ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ସ୍ତମ୍ଭଲେଖକୁ ହିଁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ଡେଫିନେସନକୁ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ, ସାରଣୀ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି 15, ସମ୍ଭାଗ ଦିଆହେଇଛି 0-10 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 50-60 ପିଲେ ସରିଛି। ବାରମ୍ବାରତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି କାର 5, 10, 21, 19, 7, 3 ଏଭଳି ଭାବେ ବାରମ୍ବାରତାର ସମଷ୍ଟିକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବ। 65 ପିଲେ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଆନୁଭୂମିକ ରେଖାରେ ପିଲେ ରଖିବ ବାରମ୍ବାରତାକୁ, ଉଲମ୍ବରେ ରଖିବ ପିଲେ ସମ୍ଭାଗକୁ। ସମ୍ଭାଗ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି କେତେ? 0-10 ସରିଛି କୋଟି 60 ନା ନାହିଁ? ଆମର ତାପରେ ଆମର ବାରମ୍ବାରତାଟା କେତେ ରହିଛି ଆମର? ନା, ଆମର ବାରମ୍ବାରତାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର କେତେ, ସରି ଭୁଲ କହିଲି, ଆମର ସମ୍ଭାଗଟାକୁ ପିଲେ ରଖିଦେବ କେଉଁଠି ନା ଆମର ଏଥିରେ, କେଉଁଥିରେ? ଆନୁଭୂମିକ ରେଖାରେ। ଆଉ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ରଖିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଥିରେ? ନା ଉଲମ୍ବରେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଯାଇଛି, ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପ୍ରଥମେ 0-10 ଆମର ରହିଛି ପିଲେ 5, ତାହେଲେ 0 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ପିଲେ ଗ୍ରାଫ ଖାତାକୁ ଯାଇ କରିବ, 0-10, 5, 5 ଉପରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଯେମିତି 10-20 ତା'ର ହେଲା ପିଲେ କେତେ, ଆମର 10 ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଯେମିତି 20-30, 30 ହେଲା କେତେ, 21 ଚିହ୍ନଟ କରିବ। 30-40 ପିଲେ ନେଇଯିବ କେତେ, 19-19 ଚିହ୍ନଟ କରିବ। 19 ମାନେ 20 ଅଛି ମାନେ 20ର ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି 7 ସବୁ ଚିହ୍ନଟ ପିଲେ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଅଙ୍କିତ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ପିଲେ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଅଙ୍କନର ସୋପାନ ସମୂହକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉକ୍ତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି ପିଲେ। ଏଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ ବହିରେ ଟିକିଏ ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତଳଟା ଆମର ରହିଛି ପିଲେ ସମ୍ଭାଗ, ଆଉ ଉଲମ୍ବ ରେଖା ରହିଛି ପିଲେ ଆମର କ'ଣ, ବାରମ୍ବାରତା। ଏଇଟାକୁ କରେକ୍ସନ କରିକି ପଢ଼ିବ। ତା'ର ପିଲେ ଉଦାହରଣ 6 ଦେଖ। 6 ଦେଇଛି, ନିମ୍ନ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଟି ଗୋଟିଏ କାରଖାନାରେ 80 ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଙ୍କିତ ହୋଇଛି। ପିଲେଟା ଅଙ୍କନ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ, ଦିଆଯାଇଛି ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତାକୁ ନେଇ ଅଙ୍କିତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ପିଲେ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା ଆମକୁ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଦର୍ଶାଇଥିବା ସମ୍ଭାଗ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି, କେତେ ହେବ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଦେଖ, 350-360 ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ, ଆମର କେତେ, 2। ବାରମ୍ବାରତା ତା'ର କେତେ ଦିଆହେଇଛି ଆମର, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 350-360 କେତେ ରହିଛି, 2 ରହିଛି ସମ୍ଭାଗର ବାରମ୍ବାରତା ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତା'ପରେ ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ହେଉଛି କେତେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରଟା ହେଇଛି 350-360, ତେଣୁ ସେଇଟା 2 ଜଣ। ସେମିତି ତା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, କେଉଁ ସମ୍ଭାଗରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖ ପିଲେ କେଉଁଠୁ ନା, 320-330 ତା ଦେହରେ ପିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦତ୍ତ ସମ୍ଭାଗ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ପିଲେ କେତେ ହେବ, ବିସ୍ତାର ଆମେ ଦେଖିଦେବା କେତେ, 300-310 କେତେ ହେବ, 310-310 ହେବ, 320-310 ହେବ, ତାହେଲେ ବିସ୍ତାର 10 ହେବ। ତାପରେ IB ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 330 କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଦେଖ, 330 କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଉଛି ଆମର ନା, 10 ଜଣ ପିଲେ ହେଉଛି, କେତେ ହେଉଛି, 10 ଜଣ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ଏଇଟାକୁ, କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କେତେ, 320-330 ହେଉଛି 28। ଆମର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯେ ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର କଲା, କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି 330 କମ୍ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।
କହିଲେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 330 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମେ ଦେଖିଦେବା ପିଲେ 330 ଟଙ୍କାରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦିଅ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କମ୍, ସେ ଅନୁସାରେ ସଂଖ୍ୟା ପିଲେ ହେଲା 12 + 18 + 28, ଏଇଭଳି ଭାବେ 58 ଜଣ ପିଲେ ହେଲେ ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପିଲେ 340 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 5 + 2 ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଜାଣିଦେଇପାରିବା 5 + 2 ଏମିତି ହେଲେ 7 ଜଣ ପିଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ତୁମେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ପିଲେ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜେ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ର ବି ଦିଆଯାଇଛି ତୁମକୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ମୁଁ ପଚରାଯାଇଛି, ଦତ୍ତ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମରୁ କେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କେଉଁ ସମ୍ଭାଗର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କ ତୁମମାନେ ପିଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପିଲେ କରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଭଲ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ଓକେ।